भारत में भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई हो, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट को बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार निजी लेबोरेटरी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर वेरिएंट से संक्रमित लोगों की खोजबीन में जुटी है। तो वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने नए वेरिएंट को लेकर एक बैठक बुलाई है। WHO ने कहा कि हम वायरस के इस नए वेरिएंट को देखते हुए बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इस पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक बुला रहे हैं। हम बैठक में कई साइंटिस्ट के साथ बैठेंगे और नए वेरिएंट के बारे में बातचीत करेंगे। बैठक में जानने की कोशिश करेंगे कि नए वेरिएंट के आने का क्या मतलब है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। हालांकि प्रतिबंध अस्थायी रूप से लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.529 को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन घोषित किया है। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने एक बयान में कहा, वेरिएंट में बड़ी संख्या में स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन के साथ साथ वायरल जीनोम के अन्य हिस्सों में म्यूटेशन शामिल है। ये संभावित रूप से जैविक रूप से महत्वपूर्ण म्यूटेशन है, जो टीके उपचार ट्रांसमिशन के संबंध में वायरस के व्यवहार को बदल सकते हैं। अधिक जांच की आवश्यकता है। वहीं यूके के स्वास्थ्य सचिव ने दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों के लिए उड़ानों को सस्पेंड करने का ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट की जांच की जा रही है। हालांकि अभी और डेटा की जरूरत है, लेकिन हम अभी सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल दोपहर से 6 अफ्रीकी देशों को रेड लिस्ट में जोड़ा जाएगा और यहां से आने वाली उड़ानों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बता दें, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट B.1.1.529 मिला है। नए वेरिएंट के अभी तक 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसे बहुत ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जिससे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वैज्ञानिक इस नए जीनोम के बारे में डेटा जुटाने में लगे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना से अभी भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, जब तक इसका पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। इस खबर में फिलहाल इतना ही।